तो गाइस ये वाली वीडियो काफ़ी ओपी होने वाली है, क्योंकि गाइस इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तुम्हारा गिल्ड फ्लैग इमोट के बारे में। गाइस जो गिल्ड फ्लैग इमोट तुमको फ्री में मिलने वाला है ये तुमको पता ही होगा गाइस, लेकिन कब मिलेगा गाइस, क्योंकि गाइस हम लोग गिल्ड फ्लैग इमोट के लिए गाइस हर एक ओपी अपडेट में वेट करते हैं। इस ओपी अपडेट में मिलेगा, इस ओपी अपडेट में मिलेगा गिल्ड फ्लैग इमोट, मतलब गिल्ड फ्लैग इमोट ईडीएस सर्वर में कब से आ रहा है गाइस, मतलब 4 महीने से गिल्ड फ्लैग इमोट आ ही रहा है लेकिन अभी तक आया नहीं है। लेकिन तुम्हारा भाई है ना, तुम लोग को बताएगा कन्फर्म डेट गिल्ड फ्लैग इमोट का गाइस, किस दिन तुम लोग को फ्री मिलेगा, कौन से इवेंट में आएगा, सब कुछ तुम्हारा भाई बता देगा। साथ ही गाइस हम लोग बात करेंगे इमोट पार्टी इवेंट के बारे में, इमोट पार्टी इवेंट कब आएगा, उसके साथ ही हम लोग बात करेंगे तुम्हारा क्रिमिनल बंडल रिटर्न में कब देखने को मिलेगा, और गाइस उसमें से एक क्रिमिनल तुम लोग को बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा, वो कैसे, वो भी तुम्हारा भाई तुम लोग को इस वीडियो में बताएगा गाइस। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तुम लोग कमेंट में बताना जो तुम्हारा फेवरेट क्रिमिनल बंडल कौन सा है। मेरी बात करें तो मेरा गाइस ग्रीन क्रिमिनल बहुत अच्छा लगता है मेरे को, क्योंकि गाइस वो मेरे पास है। तुम लोग अपना कमेंट में बताना जो तुमको कौन सा क्रिमिनल सबसे ज़्यादा पसंद है। मेरे को पता है गाइस तुम में से मैक्सिमम बंदे का रेड क्रिमिनल फेवरेट होगा, मेरे को पता है कोई एक दो ही बंदे होंगे जिनको येलो क्रिमिनल, वही अपनी जो गाइस पीली टट्टी है, वो किसी को पसंद होगा। मेरे को नहीं लगता किसी को पसंद है। अगर तुम में से किसी को पसंद है येलो क्रिमिनल तो कमेंट में जरूर बताना, देखते हैं गाइस किसको क्या सी पसंद, मतलब कौन सी कलर पसंद है। कलर पर डिपेंड करता है बेसिकली, जिसका जो फेवरेट कलर होगा वही उसके क्रिमिनल बंडल फेवरेट होगा गाइस। और हाँ गाइस एक और चीज़ पर डिपेंड करता है, क्योंकि गाइस रेड क्रिमिनल बहुत ज़्यादा रेयर है गाइस, मतलब बहुत 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 ज़्यादा रेयर है, इसलिए उसका मतलब बहुत क्रेज है गाइस, इसलिए तुम लोग का रेड क्रिमिनल सबसे ज़्यादा बंदे का फेवरेट होगा। मेरे को पता है, नहीं पता ना कमेंट सेक्शन चेक कर लेना, मैक्सिमम बंदे का रेड क्रिमिनल ही होगा। खैर गाइस अब आते हैं अपने मेन वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं क्रिमिनल बंडल के बारे में, जो ये आपको रिटर्न में कब देखने को मिलेगा। तो गाइस क्रिमिनल बंडल आप लोग को रिटर्न में देखने को मिलेगा तुम्हारे जनवरी के मंथ में, स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक में ही तुम लोग को देखने को मिल जाएगा तुम्हारा क्रिमिनल बंडल रिटर्न में। लेकिन गाइज याद करो, तुमको वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था जो तुम लोग को एक क्रिमिनल बंडल बिल्कुल फ्री में मिलेगा, तो वो कैसे गाइज, तो उसको फ्री नहीं बोलेंगे, लेकिन गाइज एक तरीके से हम लोग उसको फ्री भी बोल सकते हैं, क्योंकि गाइज उसको लेने के लिए तुमको 3 एवोल्यूशन स्टोन ही चाहिए। और गाइज वो कौन सा क्रिमिनल होगा, ऑब्वियस सी बात है सबसे नीचे वाला, और सबसे नीचे कौन सा क्रिमिनल रहता है, हमारा पीला क्रिमिनल यानी पीली टट्टी वाला क्रिमिनल गाइज, वो तुम लोग को बिल्कुल फ्री में मिल सकता है गाइज, क्योंकि उसको एक्सचेंज करने के लिए हमें चाहिए बस 3 एवोल्यूशन स्टोन, और 3 एवोल्यूशन स्टोन तो हमारे फ्री में ही मिल जाते हैं। मतलब गाइज तुम लोग इलाइट पास लेते हो तो उसमें हर महीने के इलाइट पास में 1 एवोल्यूशन स्टोन फ्री में मिलता है। तो बेसिकली गाइज हम लोग कह सकते हैं जो तुमको फ्री में मिलेगा, अब तुम्हारे आईडी में 1 भी एवोल्यूशन स्टोन नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है तुमको डायमंड लगा के स्पिन करना पड़ेगा, लेकिन जिनके आईडी में 3 एवोल्यूशन स्टोन ऑलरेडी है उनको तो एक तरीके से फ्री में ही मिल गया ना भाई, मतलब जैसे जिसकी सोच, मेरे हिसाब से गाइज वो फ्री ही मिला तुम लोग को गाइस। तो खैर गाइज अब हम लोग बात कर लेते हैं इमोट पार्टी इवेंट के बारे में। तो देखो गाइज इमोट पार्टी इवेंट का अभी कंफर्म कह नहीं सकते, लेकिन गाइज इमोट पार्टी इवेंट हमारे इंडियन सर्वर में अभी तक आया नहीं है, तो हो सकता है ये भी तुमको जनवरी मंथ में इमोट पार्टी रिटर्न में देखने को मिले गाइज। लेकिन गाइज इसका कोई कन्फर्म न्यूज नहीं निकल के आया जो तुमको जनवरी मंथ में देखने को मिल ही जाएगा इमोट पार्टी इवेंट। अब देखो गाइज मिलेगा ये तुम्हारा तय है गाइज, हो सकता है गाइज जब हमारा फरवरी आएगा उसमें जब वैलेंटाइन होगा गाइज उस दिन तुम लोग को पुराना वाला लव वाला जो इमोट है गाइज, रोज वाला लव वाला, ये सारा इमोट तुमको बैक में देखने को मिल जाए, मतलब रिटर्न में तुमको देखने को मिल जाए ये सारा इमोट, तो इस तरीके से तुम लोग को रिटर्न में देखने को मिल सकता है। बाकी बहुत बंदे पूछ रहे थे ये थ्रोन वाला इमोट, फिर से चेयर वाला इमोट, ये सब हम लोग को रिटर्न में देखने को मिल सकता है या फिर नहीं, मतलब इमोट पार्टी इवेंट आ सकता है या फिर नहीं, तो इसका गाइज कन्फर्म तो नहीं बता सकता, लेकिन तुम लोग 50-50% चांस लेके रखो जो तुम लोग को जनवरी मंथ में रिटर्न में देखने को मिल सकती है गाइज। अब पूरा कन्फर्म मत हो जाना जो मिल ही जाएगी ऐसा बोल दिया उन्होंने, तो मिल ही जाएगी, मतलब कन्फर्म मत हो जाना, मैं कन्फर्म नहीं हूँ जो तुम लोग को इमोट पार्टी इवेंट देखने को मिलेगी तुम्हारे जनवरी मंथ में। लेकिन गाइज आनी चाहिए, क्योंकि गाइज तुम लोग देखो यहाँ पे 2-3 महीने से इमोट पार्टी इवेंट हमारे इंडियन सर्वर में नहीं आया, तो हो सकता है तुम लोग को रिटर्न में देखने को मिले। खैर गाइज बात करते हैं वीडियो के लास्ट टॉपिक के बारे में, तुम लोग को गिल्ड फ्लैग इमोट कब देखने को मिलेगा। तो गाइज तुम लोग को पता है ना 1 जनवरी को तुम्हारा आ रहा है न्यू अल्पाइन मैप, और गाइज उसी में तुम लोग को देखने को मिल सकता है गिल्ड फ्लैग इमोट, क्योंकि गाइज देखो अल्पाइन मैप आएगा तो ऑब्वियस सी बात है गेम में अपडेट आएगा, और गेम में अपडेट आएगा तो मतलब गाइज तुम्हारा गिल्ड में भी अपडेट आएगा, और गिल्ड में अपडेट आएगा तो गाइज
तो तुम्हारा गाइज गिल्ड फ्लैग इमोट आएगा गाइज, क्योंकि पता है ना गाइज हर अपडेट में आता है हमारा गिल्ड फ्लैग इमोट, मतलब हर अपडेट में नहीं आता, बेसिकली गाइज तुम्हारा जनवरी में आने ही वाला है गाइज तुम्हारा गिल्ड फ्लैग इमोट, तो यही अपडेट में तुम लोग को देखने को मिलेगा। अब इसको लेने के लिए तुमको ज़्यादा हार्ड मिशन कंप्लीट नहीं करना पड़ेगा, तुमको कंप्लीट करना पड़ेगा तुम्हारा डॉग टैग। हाँ गाइज तुमको डॉग टैग 5000 के अराउंड तुमको अचीव करना पड़ेगा, जो फ्राइडे को डॉग टैग कंप्लीट करना होता है 1800, जिसके बदले तुम लोग को कस्टम कार्ड मिलता है, हाँ वही वाली डॉग टैग की बात कर रहा मैं। तो गाइज उसी में तुम लोग को गाइज 5000 या फिर 2000 ऐसे ही कुछ तुमको टारगेट दिया जाएगा, और वो तुमको अकेले कंप्लीट नहीं करना, तुम्हारे गिल्ड में सारे मेंबर को मिलकर कंप्लीट करना है, तुम्हारे अकेले के बस की बात नहीं है। जब 500 बंदे मिलकर तुम्हारे गिल्ड के वो कंप्लीट करेंगे तो तुमको वो मिल जाएगा गाइज, तुमको नहीं बेसिकली गाइज वो 500 बंदों को गिल्ड फ्लैग इमोट मिल जाएगा गाइज। तो बेसिक सिंपल सा बात है, जैसे तुम्हारे गिल्ड लीडर कस्टम क्लेम करता है ना, तुम्हारे मेल बॉक्स में आ जाता है गिल्ड फ्लैग मतलब कस्टम कार्ड आ जाता है ना, वो कस्टम 1800 डॉग टैग कंप्लीट होने के बाद वो क्लेम करता है गाइज सैटरडे को गाइज, तो तुम्हारे गेम मेल में गाइज आ जाता है तुम्हारा गिल्ड फ्लैग इमोट नहीं क्या बोल रहा मैं कस्टम कार्ड आ जाता है ना गाइज। उसी तरह अगर तुम उतना बैच कर लोगे, बैच नहीं यार डॉग टैग कंप्लीट कर लोगे ना गाइज, तो तुम्हारा गाइज वो गिल्ड लीडर तुम्हारा जैसे ही क्लेम करेगा तुम में से सारे बंदों को गाइज मेल बॉक्स में तुम्हारा गिल्ड फ्लैग इमोट देखने को मिल जाएगा। आई होप समझ गया होगे तुम लोग, और वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।